गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में जिसमें आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेज नीदरलैंड के मैच के बारे में तो आपका समय ना बर्बाद करते हैं शुरू करते हैं वीडियो नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल कर दिखाया उन्होंने 160 रनों से जीत हासिल की है इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम एक भी मैच नहीं हारी है अब भारत का सेमीफाइनल में मुकाबला न्यूजीलैंड से पंद्रह नवम्बर को होगा जी हाँ वही न्यूजीलैंड जिसका पिछली बार भी इंडिया के साथ सेमीफाइनल हुआ था और इंडिया को बड़ी ही दिक्कत हुई थी बता दें कि नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के दौरान रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी में इकसठ रन बनाए और साथ ही गेंदबाजी भी करी और उन्होंने बड़ी ही बेहतरीन गेंदबाजी करी रोहित ने गेंदबाजी उस समय की जब नीदरलैंड्स के नौ विकेट गिर चुके थे 2016 के बाद पहली बार रोहित ने गेंदबाजी की थी यानी नौ साल के बाद रोहित ने गेंदबाजी की और अपने पहले ही ओवर में उन्होंने विकेट हासिल कर लिया जब रोहित ने विकेट हासिल किया तो स्टैंड्स में बैठी उनकी वाइफ रितिका का बड़ा ही प्यारा रिएक्शन आया जिसे देखकर फैंस बड़े ही खुश हुए जब रोहित ने विकेट हासिल किया तो बड़े ही आक्रामक अंदाज में उन्होंने इसका जश्न मनाया इस मैच में रोहित ने कोहली से भी गेंदबाजी कराई थी विराट ने ने भी भी अपनी गेंदबाजी के के दौरान विकेट हासिल किया हिटमैन कोहली अलावा गिल और सूर्य कुमार यादव से करवाई थी भारत के बल्लेबाजों ने मैच में गेंदबाजी की जिसे फैंस देखकर बड़े ही खुश हुए और उन्हें दिवाली का बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला इस पूरे वर्ल्ड कप में भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी और गेंदबाजी की है जिसके दम पर भारतीय टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है अब बस देखना यह है कि क्या इस बार वो न्यूजीलैंड को हरा कर अपने फाइनल में पहुंचने का चांस बनाती है या नहीं बाकी आज के लिए इतना ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में